और विश्वास दिलाते हैं जीत हमारी सुनिश्चित है। बिहार में 24 सीट का चुनाव हो रहा है, हम लोग एक तिहाई सीट को जीतेंगे और जिस दिन फैसला होगा 7 तारीख को गिनती है, चुनाव मतगणना है, उस दिन आपको लगेगा कि कांग्रेस पार्टी का क्या वजूद है और बाकी गठबंधन का और एनडीए का क्या वजूद है। आपको पढ़ा लिखा भी है और दलित बने एक जो गरीब परिवार से ही आया है, पढ़ा लिखा है, सामाजिक कार्यकर्ता है और शालीन भी है, किसी तरह की शिकायत शिकवा उनके खिलाफ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ अपराजिता। आज कांग्रेस के नेता सुबोध मंडल ने अपना नामांकन किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। समाहरणालय में बहुत लोग मौजूद हैं, जब वो नामांकन करवाने आए हैं तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अभी वो अंदर में है, जब वो अंदर से बाहर आएंगे तो हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। देखिए, बहुत आभारी हूँ अपने आला कमान का, माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, अखिलेश बाबू, कृपानाथ पाठक साहब, प्रेमचंद मिश्रा साहब और स्पेशली मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर शीतलामर झा साहब। आज ये जन सैलाब देख के डॉक्टर शकील अहमद साहब, आज ये जन सैलाब देख करके मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरे साथ जो जन समर्थन है वो मेरे 100% जीत की गारंटी है और मेरे साथ जो मेरे वरिष्ठ नेता जन जन के नेता और मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और मैं 100% जीतूंगा। आपके आपके जो खिलाफ हैं 4 उम्मीदवार हैं, क्या लगता है इस बार आप इस बार एमएलसी का चुनाव जीत पाएंगे? मेरे साथ सर कोई टक्कर ही नहीं है, मैं चुनाव जीत चुका हूं, मेरे साथ जन समूह है, मैं चुनाव जीत चुका हूं। सुबोध मंडल जिंदा। और मैं मंत्री भी रह चुके हैं, अभी जो स्थिति है कांग्रेस की देखा जा रहा है पूरा इंडिया में, जो उतनी अच्छी स्थिति नहीं देखी जा रही है, मधुबनी में क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, मधुबनी में हमारा उम्मीदवार निश्चित रूप से लगता है कि पॉपुलर किसी भी उम्मीदवार से है, इसलिए कि वो आदमी पढ़ा लिखा भी है और दलित बने एक जो गरीब परिवार से ही आया है, पढ़ा लिखा है, सामाजिक कार्यकर्ता है और शालीन भी है, किसी तरह की शिकायत शिकवा उनके खिलाफ नहीं है, इसलिए मैं मानता हूं कि सबसे आकर्षण का केंद्र हमारा ही उम्मीदवार सुबोध मंडल है और हम जहां तक 3 दिन से हम भी उसमें लगे हुए हैं, जहां बाहुबली हो कि लदनिया हो कि लोखा हो कि लोखी हो या घोगढ़िया हो, तो हम देखे हैं कि जो पूर्व में किसी की बातें चल रही थी वह बातें लोग घिसक रहे हैं और लोगों के मन में है कि ये आदमी दबे कुचले लोग हैं, इसकी मदद होनी चाहिए और हमको लगता है कि हमारा उम्मीदवार जीतने का ये भरोसा हम लोग रखते हैं कि जीत जाएगा। एक चीज है सर कि अभी जो पोजीशन लोगों का कहना रहता है, यह पद जो है चुनाव धनबल के लिए लगकर किया जाता है, जो धनबल है वही इसको पर विजय प्राप्त करता है। ये बातें आपकी आजकल सही है कि आजकल लोग जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, इसीलिए ना हमने अपना उम्मीदवार के बारे में बताया कि जिसके पास में ना कोई धन दौलत कुछ है नहीं और न पूर्व में किसी तरीके की शिकायत वाले कोई आदमी, निष्कलंकित है हमारा उम्मीदवार। आपकी बात सही है कि राजनीति में पैसे की बोलबाला होना शुरू हुआ है जो ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है और देश के हित में भी नहीं है। आप देखे होंगे कि बड़े से बड़े दल जो आज राष्ट्र में ध्वजा करता फहरा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा शुरुआती दौर से शुरू कर दिए और ऐसी परंपरा राजनीति की बनाने की कोशिश कर दिए कि धन बल में जितना पैसा खर्चा हो ये चीज़ें हम हासिल करेंगे। इससे राजनीतिक स्थिति बने वातावरण में गरीबों के लिए, लोकतंत्र के लिए, जनरल समाज के लिए अब कोई चीज़ प्राप्त करना आसान नहीं है। तो आप किस बेसिस पर कहते हैं कि आपका कांग्रेस मजबूत है मधुबनी में? हम इस बेसिस पर कहते हैं कि हमारा उम्मीदवार अच्छा है, दूसरा है कि लोगों में उसकी कोई खिलाफ में कोई प्रतिक्रिया या कोई गर्भांश नहीं है, तीसरी बात यह है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता इस मामला में सजग है और हम लोग समझते हैं कि दूसरे जगहों से यहाँ पार्टी हमारी सशक्त और मजबूत जरूर है
और हम लोग सब कांग्रेस मन से लग जाएंगे, लगना ही है, लगेंगे ही, तो हम निश्चित रूप से इसको देंगे। नेता तो मतदान करता नहीं है, करता है वार्ड मेंबर। वार्ड मेंबर हम लोग से दूर थोड़े है, समाज में हम भी रहते हैं, उसकी सेवा करते हैं, वो भी हम लोगों को देखभाल करता है, तो परस्पर संबंध है। और जो आदमी परस्पर संबंध रखता है तो उसे समाज से नहीं टूटन होता है, उसे समाज अपने आप को साथी होकर जोड़ता है। तो इस आधार पर हमारी शक्ति है, हम उसकी मदद करेंगे। क्या होगा आपका, किस समीकरण पर आप कहते हैं कि हमारा जो जनता में सभी जात के, सभी धर्म के, सभी मजहब के लोगों पर विश्वास है कि वो आदमी, समीकरण तो है कि देश की जितने भी जनता है, मैं उनसे सबसे आशा करता हूँ, मधुबनी के सभी लोग, हम सबसे आशा करते हैं कि हमारे दल को वो लोग समर्थन करें। सर आपसे पूछना चाहेंगे, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, ये क्या लग रहा है कि उन लोगों का कितना ज्यादा अति पिछड़ा समाज का कितना ज्यादा समर्थन? देखिए एक ही बात है ना, पिछड़ा समाज पर में आप देखेंगे नीतीश कुमार 20 साल कर रहा है, तो एक बार नीतीश कुमार के नाम पर में वो नहीं होंगे, लेकिन वही हो जाएंगे, इसलिए कि दूसरा ये उसी समाज से आते हैं जिसको लोगों ने तोड़ करके किसी में कन्फाइन कर लिया है, उसमें ही ज्यादा पॉपुलर है और गरीब आदमी का परिवार में है, एनेक्सर वन भी है, तो इस तरह से आप जिस सवाल को उठाए हैं वो सबसे ज्यादा उसकी पूछिए। एमएलए के उम्मीदवार भी आप रह चुके हैं, हमें ये बताइए कि कांग्रेस की स्थिति जो देखी जा रही है पूरे भारत में बहुत कमजोर स्थिति है, ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि मधुबनी में आप लोगों की स्थिति और ये सुबोध मंडल जी जो है उनकी स्थिति कैसी रहेगी? सबसे पहले आप मीडिया के साथियों का सबका स्वागत, अभिनंदन। और आपने जो कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में कमजोर है, तो भारत में कांग्रेस पार्टी की जो जमीन है, पूरे कार्यकर्ता एक कांग्रेसी पार्टी ऐसी है जो हर पंचायत से लेकर हर वार्ड तक उसके पास वर्कर हैं। और आपने दूसरी बात अभी मधुबनी की छेड़ी है कि सुबोध मंडल जी हमारे कैंडिडेट आए हैं, कांग्रेस ने दिया है उनको टिकट। आप देखते हुए कि मधुबनी में अभी दूसरी पार्टी के भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, NDA से भी हुए हैं, उनके भी बागी उनके साथी खड़े हो गए हैं, RJD से भी एक माइनॉरिटी मिराज साहब को टिकट दिया गया है, उनके भी बागी गुलाब यादव जी उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। सुबोध मंडल जी, ये सौभाग्य की बात है, कांग्रेस पार्टी कभी जात पात का विश्वास नहीं रखती है, सबों को साथ लेकर चलती है। हमारी पार्टी का जो निर्णय हुआ है, जो अति पिछड़े समाज से सुबोध मंडल जी आते हैं और इनको कैंडिडेट बनाया है, आज की डेट में अभी आप लोग देख सकते हैं पूरे मधुबनी में कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर हैं ही, उसके साथ साथ जो कभी हमने जिनको भी नहीं देखा, जो जनप्रतिनिधि को कभी हमने पार्टी कार्यालय में नहीं देखा, वो किसी भी दल के हों, किसी भी दल से ताल्लुक रखते हों, लेकिन आज इतना उत्साहित हो करके सुबोध मंडल जी के नॉमिनेशन में यहाँ आए हैं, ये जीत का सबूत है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी कभी यहाँ कमजोर नहीं रही है, आप पिछले लोकसभा का अब तक देख लीजिए चुनाव, कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता, हमारे गार्जियन डॉक्टर शकील अहमद निर्दलीय चुनाव लड़े, यहाँ पर सबको मुँह की खानी पड़ी, लेकिन कांग्रेस पार्टी हर बूथ से अपना वोट का कलेक्शन किया। मैं खुद ही चुनाव लड़ा हूं पार्टी के खिलाफ जाकर के हरलाखी से, आपने देखा होगा कि हरलाखी से हमारे साथ पूरे वर्कर हमारे साथ थे कांग्रेसी, और जात जमात छोड़ करके लोग मेरे साथ खड़े रहे। और विकट परिस्थिति में जो पूरे बिहार में दो धारा का चुनाव हुआ, गठबंधन का और NDA का, लेकिन तीसरा धारा हमने बनाया और 29,000 समथिंग हमको वोट आया। मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ कि आज सुबोध मंडल जी का श्री गणेश हुआ है, बिस्मिल्लाह हुआ, शुरुआत हुआ है, सुबोध मंडल जीतने वाले कैंडिडेट हैं, इनकी जीत सुनिश्चित है। और जितनी भी यहाँ फौज खड़ी है कांग्रेस पार्टी और जो उनके समर्थक हैं, ये लोग सब जनप्रतिनिधि हैं, कुछ ही लोग हैं जो उनके समर्थक हैं, और ये विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का दिन यहाँ से अच्छा होगा और इस सीट को हम जीतेंगे। अगल बगल की सीट है, वहाँ भी हम लोग हंगामा क्या पूरे कार्यकर्ता के साथ लगे हुए हैं, हमारी जीत अच्छी होगी। जिन पार्टियों को कांग्रेस पार्टी की कोई इज्जत नहीं थी, उनके नज़र में कोई कदर नहीं थी, उनकी जमीन खिसकने जा रही है, कांग्रेस पार्टी अपना पैर पसार रही है और जमीन तक काम करके अपने आप को मजबूत करेगी। और विश्वास दिलाते हैं जीत हमारी सुनिश्चित है। बिहार में 24 सीट का चुनाव हो रहा है, हम लोग 1/3 सीट को जीतेंगे। और जिस दिन फैसला होगा, 7 तारीख को गिनती है, सुना हो, मतगणना है, उस दिन आपको लगेगा कि कांग्रेस पार्टी का क्या वजूद है और बाकी गठबंधन का और NDA का क्या वजूद है, आपको पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 2022 लाया है आपके लिए सुनहरा अवसर, जहां है नौकरियां ही नौकरियां, जिसका आप बेरोजगार उठा सकते हैं फायदा।
अपनी सफलता को शिखर देने के लिए संपर्क करें ब्रांच ऑफ एफजी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मधुबनी, कॉन्टैक्ट नंबर 7700899725। आप हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।